उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तिरंगे के अपमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि महापौर की मौजूदगी में अयोध्या नगर निगम ने तिरंगे का अपमान किया है। नगर निगम ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से राष्ट्र ध्वज को पहुँचाया है। महोत्सव के नाम पर राष्ट्र ध्वज का ऐसा अपमान निंदनीय है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता का झंडा बेचते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, किसी के लिए देश का झंडा मान है और किसी के लिए बेचने का सामान है। 15-15 रुपए कोई नहीं लाया, सरकार का आदेश था, सिर्फ दो ही बच्चे लाए। मुख्यमंत्री जी का, सांसद का, सभी का आदेश है। भाजपाई हर बात पर दुकान लगाना बंद करें। एक और ट्वीट में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि चित्रकूट में भाजपा जिला अध्यक्ष तो पैरों के पास राष्ट्रध्वज रखे दिखे। लखीमपुर में भाजपा विधायक और इटावा में भाजपा नेता तिरंगे को ढंग से पकड़ना भी नहीं जानते। राष्ट्रध्वज के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार अक्षम्य।